पासवान जिंदाबाद 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 आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे अमर रहे आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के हाया घाट के धरती पर इलमान ढाला के पास पद्मभूषण से सम्मानित स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का 78वां जन्मदिन इस तरह मनाया गया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिरनिया रुस्तमपुर के पूर्व सरपंच रामाशीष सैनी एवं मुख्य अतिथि के रूप में युवा लोजपा के जिला अध्यक्ष राम विलास के प्रदीप कुमार पासवान उपस्थित होकर सभी कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर भव्य तरीके से और राम विलास पासवान जी का 78वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी साथियों को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन के अवसर पर छोटे छोटे जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको कॉपी पेन देकर उनके उज्जवल भविष्य का भी कामना किया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र जिला के अध्यक्ष सचिन पासवान, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिल कुमार, रोहित कुमार, दिलीप सहनी, संतोष शाह, फूल बाबू यादव, अजय मंडल, संजीव शाह इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित होकर पद्मभूषण से सम्मानित स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का 78वां जन्मदिन इलमैट ढाला पर भव्य तरीके से किया गया। खासकर देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और खासकर प्रदीप कुमार पासवान जो जिला अध्यक्ष है उनका भी इंटरव्यू हम सुना रहे हैं। आखिर में हाया घाट के धरती पर पहली बार राम विलास पासवान जी का जन्मदिन इस तरह मनाया, उन्होंने क्या कहा और किस उद्देश्य से जन्मदिन मनाया, देखते रहे मिशन सच की पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद जी। आज जो 78वां उनका जन्मदिवस मना रहे हैं, क्या जी? आज पद्मभूषण सरदे आदरणीय राम विलास पासवान जी के 78वां जन्मदिन पे नमन करते हैं उनको। आज मेरा यही मकसद था, जो मेरा आज हाजीपुर में कार्यक्रम है और हम लोग भी एक सोचे कि कुछ हाया घाट विधानसभा में पहुँच के बच्चों को कॉपी और कलम देने का काम हम लोग बहुत दिनों से मन हो रहा था कि कुछ बच्चों के बीच में हम जाए और कॉपी कलम जागरूक शिक्षा के लिए हम जागरूक करना चाह रहे हैं। इसलिए आज हम जन्मदिन के मेरे साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम कॉपी कलम और केक काट के अपने खुश हो रहे हैं। ये कार्यक्रम कहाँ किया गया है? ये कार्यक्रम इनामत हाया घाट। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार पासवान, युवा जिला अध्यक्ष लोजपा राम विलास। अच्छा, पहली बार जो है हाया घाट विधानसभा में यहाँ पे आप राम विलास जी का जयंती मना रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? मुख्य उद्देश्य मेरा ऐसा कहा जाए तो कुछ नहीं है, और है तो इंडिकेट में बहुत कुछ बोला जा सकता है। आज इसलिए हम हाया घाट में आए हैं, हम नेता नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, हम एक बेटा भतीजा के नाते हम बीच में आए हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में बच्चों को कॉपी कलम देकर हम बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, शिक्षा के आगे की ओर झुकाव करना चाह रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ कुछ जो गार्जियन हैं, गार्जियन हमको बहुत साथ दिए हैं और गार्जियन का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसा ही हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। और ये निश्चित ये पहला मेरा कार्यक्रम स्टार्ट है आज, ये जन्मदिन के उत्सव पर हम पहला दिन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हुए हैं। और ऐसे हम आप कंटिन्यू हाया घाट विधानसभा क्षेत्र में सप्ताह में एक दो दिन हम निश्चित रूप से देंगे, हर एक घर पहुँचेंगे आज से।